पाकिस्तान, जो कहने के लिए तो भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन पड़ोसी देश होने के बावजूद पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने का काम कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर के अमन चैन को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पहले रियासी और अब कठुआ में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, लेकिन अब इन आतंकियों का खात्मा करने के लिए सेना ने भी एक्शन शुरू कर दिया है और सेना के इस एक्शन से आतंकी कांपने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहेला। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के सैदा सुखल गांव पर मंगलवार की शाम को आतंकियों ने अचानक से हमला कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल भी एक्शन में आ गए और फिर शुरू हुआ एनकाउंटर। इस कार्रवाई में सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि कठुआ में मंगलवार शाम को आतंकियों की गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के डीआईजी रैंक और एसएसपी रैंक के दो अधिकारियों की कार भी जद में आ गई थी। इस हमले में ये अधिकारी बाल बाल बच गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हीरानगर के गांव सैडा सोहल में एक्शन और तेज कर दिया, जिसमें सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। इसके साथ ही पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी भी शुरू कर दी। इसके साथ साथ कई इलाकों को सेना ने सील भी कर दिया है। एडीजीपी के मुताबिक हीरानगर में हुई मुठभेड़ में बहादुर जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया। हालांकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इलाके में किसी अन्य आतंकी के छिपे होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के इलाके में भी तलाशी अभियान जारी है। चलिए आपको सुनाते हैं आनंद जैन, जो एडीजीपी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस हमले को लेकर और आतंकियों को कैसे सेना ने ठेर किया वो भी इन्होंने बताया। ये नया इंफिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। सर, क्या ये रास्ता भटक गए थे, ज्यादा और थे क्या, ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे क्या? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या? छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहां जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो दो आतंकी थे उनको मार, दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं इन आतंकियों के पास से। बरामद हथियारों और गोला बारूद में 30 राउंड वाली 3 मैगजीन, 24 राउंड वाली एक अन्य मैगजीन, अलग अलग पॉलिथीन में 75 राउंड, 3 ग्रेनेड, 1,00,000 रुपए की करेंसी और इसके साथ ही खाने पीने का सामान भी मिला है। बल्कि पाकिस्तान में बनी दवाइयां और इंजेक्शन भी इसमें शामिल है, जिससे माना जा रहा है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ इस हमले को अंजाम देने के लिए आए थे। यहां आपको हम यह भी बता दें कि जम्मू में 3 दिनों में यह तीसरी आतंकी वारदात है। पहले रियासी में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया जिसमें 9 यात्री मारे गए थे। फिर कठुआ में आतंकियों ने गोलीबारी की जिसमें एक नागरिक घायल हो गया। इसके बाद डोडा में पुलिस नाके पर हमला किया गया। लेकिन जिस तरह से आतंकी जम्मू संभाग को निशाना बना रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आतंकी एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बल भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जिस तरह से आतंकियों के पास से सामान बरामद हुआ है उससे एक बार फिर पाकिस्तान का घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। फिलहाल अब सेना इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है और माना जा रहा है कि अब तो पाकिस्तान को जवाब देना ही पड़ेगा भारत को। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।